दोस्तों, ये घर के पास हमारे डेली जो है जंगल से निकल के, ये इसको तो यहाँ कहते हैं नील गाय, लेकिन असल में ये नील गाय नहीं, ये हिरन की सबसे बड़ी प्रजातियाँ हैं। वो ढेर सारी हैं, वहाँ तक देखिए सब खड़ी हैं। ये बगल में आती हैं, हम लोग तो रोटी वोटी देते हैं तो चली आती हैं घर तक। अभी जो है रोटी लेके बुलाओ तो सीधा चली आएंगी। ये वो जानवर होते थे कि इंसान को देख करके कई कई किलोमीटर दूर भागते थे, लेकिन बस इनसे थोड़ा सा जो है प्यार से बोलने वाला है, और इनको देख करके इनको डरवाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे मात्र 20 फुट की दूरी पे है ये। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि इनकी सींग भी बड़ी बड़ी होती हैं, और डर लगता है कहीं मार वार ना दे, इसलिए बहुत पास में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जंगली तो है ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे होते हैं ये। बहुत देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं ये। देखिए इनके इस देखिए इसके दाढ़ी है, ये जो है ये इसको देखो दाढ़ी है। ये मौलाना साहब हैं जो घूम रहे हैं, ये मौलाना साहब हैं। और बगल वाला जो है उसको दाढ़ी नहीं है। तो बस यही है कि ये लोग जो है जंगल से निकल करके जहाँ पे अपने आप को सेफ समझते हैं, जहाँ पे जानते हैं कि कोई इनका नुकसान नहीं करेगा, वहाँ पर जो है ये लोग चले आते हैं चरने के लिए। कैमरे थोड़ा मोबाइल का कैमरा इतना साफ़ नहीं है, जो है क्लियर नहीं है। ये हमारी बिट्टू हैं, ये आ गई बिट्टू नील गाय के पास। बिट्टू ऐसे खड़े जाओ, देखें तो अरे ज़मीन में बैठ गई वो। बिट्टू तो पूरा पार्क का मज़ा ले रही है। ये पार्क नहीं बेटा, उड़ जाओ उड़ जाओ, सांप आप होगा नीचे, उड़ जाओ बेटा उड़ जाओ, ये जंगल का। अरे उड़ जाओ बेटा, एकदम जीत पकड़ ली हो। हाँ बेटा आ रहे हैं, देख रहे हैं। आ आ आ आ चली गई पेड़ उड़ के आड़ में। इधर हैं कुछ जंगल से गैया निकल के आके चर रही हैं। ये गायों के पानी पीने के लिए ड्रम रखा रहता है हमेशा, इसमें अच्छा साफ पानी भरवा दिया जाता है। वो जो दिख रहा है तसला, ये चिड़ियों के पानी पीने के लिए रहता है। ये आराम से इस तसले में उतर करके जो है पानी पी लें, चिड़ियों के लिए रहता है। क्योंकि अब तो बरसात हो गया है, अब जानवरों को पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बरसात नहीं होता है और गर्मी रहती है तो यहाँ पर कई कई किलोमीटर में कहीं दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे जानवरों के लिए मैं रखता हूँ पानी, ताकि जानवर आएँ पानी यानी पिए, और इसका बहुत बड़ा सवाब भी है जो है। ये सदक़े ज़रिया है, ये जानवरों को अगर खिला पिला दे रहे हैं तो ये इसका बहुत बड़ा जो है सवाब मिलेगा। बाकी बढ़िया है, शाम का खूबसूरत नज़ारा है, और ये हमारी बिट्टू खेल रही हैं। हाँ बिट्टू खेल रही हैं, बिट्टू खेल रही हैं। हाँ डैडी मोबाइल रखते हैं ना, ये वाली आपको देंगे। ये है नीलगाय, शाम होते ही दरवाजे पे आके घास चरना शुरू कर देती हैं, और घर तक आती हैं, रोटी वोटी भी खा के जाती हैं सब। ढेर सारे जानवर जंगली सब अच्छा लगता है, दरवाजे पे आकर के चरते हैं। ये सब नील गाय हैं, और ढेर सारी हैं और आगे भी हैं, अंधेरे में दिख नहीं रहा है। ये वही नीलगाय हैं जो आदमी इंसान को देख करके भाग जाया करती थी। आज ये देख जो है यहीं पे दरवाजे पे रोज़ आ करके चर के जाती हैं। बस इनको डरवाओ नहीं, ये पालतू जानवर की तरह से ही बिहेव करते हैं, तो बड़े खूबसूरत जानवर होते हैं ये। कहने को तो नीलगाय हैं, लेकिन ये हिरण की प्रजातियों से सबसे बड़ी प्रजाति है, ये हिरण की ही प्रजाति है। मस्ती में एकदम से
सब चर रहे हैं। और ये बन्नू हमारी नज़ारे ले रही हैं नील गायों के। पैंपर पैंपर ना खोलो, पैंपर पहने रहो।